चलो ये एक क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर एक हमारे पास कार्ट है, दिस इज द एक बस है, कार्ट है जो भी है, तो यहां से एक सिंपल पेंडुलम इस तरह से लटका हुआ है, और जैसे ही बस एक्सेलरेट करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ती है, दिस इज द क्वेश्चन में पढ़ो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, तो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर एक्सेलरेट करती है तो ये एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है तो पेंडुलम वर्टिकल से थीटा डिग्री पर आ जाता है। तो हमें वही एक्सेलरेशन निकालना है, इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। तो यहाँ से आपको समझना इसको कि क्यों होगा ऐसा सिस्टम, ठीक है, क्यों, जैसे जैसे एक्सेलरेशन मतलब बढ़ेगा वैसे, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड है वो है, सूडो से भी कर सकते हो आप, रियल से भी कर सकते हो, जैसे ही एक्सलेट होगा, कांस्टेंट एक्सलेशन से आ रहा है, तो सिंपल पेंडुलम वर्टिकल से थीटा डिग्री पर आ जाएगा, जैसे ही बस ए एक्सलेशन से आगे जाएगी तो ये थीटा डिग्री पे आ जाएगा। अब जितना ज़्यादा एक्सलेशन होगा उतना ज़्यादा थीटा होगा, अगर एक्सलेशन की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, मतलब एक्सलेशन की वैल्यू जीरो होगी तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, मतलब वेलोसिटी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, अगर ये एक्सलेशन जीरो है तो थीटा जीरो ही होगा। इसको अगर मैं दूसरे पार्ट में पूछा है, अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड चलती है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है ना, तो एक्सलेशन जीरो हो गया तो थीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है, सूडो लगेगा ही नहीं, लेकिन अभी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा, तो उस एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, और फोर्सेस देखते हैं कि कौन कौन फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस पे ये वाली जो लाइन है वो वर्टिकल वाली लाइन है, और ये वाली लाइन हॉरिजेंटल वाली लाइन है। मैं सूडो से कर रहा हूँ, तो एक ऑब्जर्वर इसी बस के फ्रेम में बैठा है और वो एक सूडो फोर्स इस पे लगाएगा। सबसे पहले इस स्ट्रिंग में टेंशन टी ऊपर जाएगा, ऐसे टेंशन टी जाएगा, एक फोर्स ए लग गया, दूसरा इसका वेट एम जी लग गया। इसके अलावा ये ऑब्जर्वर इस फ्रेम के अपोजिट और मास ऑफ द बॉब के अप इक्वल एक सूडो फोर्स लगा देगा ये। तो दीज आर द थ्री फोर्सेज विच आर एक्टिंग। अब जो ऑब्जर्वर बस में बैठा है उसके रिस्पेक्ट में तो ये जो बॉब है वो तो रेस्ट में रहेगा ना, उसके रिस्पेक्ट में ये क्या रहेगा, बेसिकली रेस्ट में रहेगा। तो अगर रेस्ट में रहेगा तो सबसे पहले अगर ये थीटा है मान लो, तो ये भी तो थीटा होगा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। जो ऊपर आएगा वो होगा टी कॉस थीटा, और जो इधर आएगा वो होगा टी साइन थीटा। अब कुल मिला के अगर ये बॉब रेस्ट में है, बॉब अगर रेस्ट में, इस ऑब्जर्वर को रेस्ट में दिखाई देगा क्योंकि थीटा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू सूडो दैट इज एम ए, एंड टी कॉस थीटा दैट इज मस्ट बी इक्वल टू वेट एम जी, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट से सेकेंड में डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड, तो अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज ए बाई जी, मतलब एक्सलेशन ए की वैल्यू आ जाएगी जी टेन थीटा। आप देख रहे हो कि अगर एक्सलेशन की मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, तो जी तो कॉन्स्टेंट है, तो टेन थीटा भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, मतलब कुछ टाइम बाद कॉन्स्टेंट एक्सलेशन से अगर बस चलने लगेगी तो थीटा भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर एक्सलेशन जीरो हो जाएगा, देखो अगर एक्सलेशन जीरो हो जाएगा तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितनी भी हाई वेलोसिटी से क्यों नहीं चले, ठीक है, ये पेंडुलम डिस्प्लेस ही नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप रियल फोर्सेस से भी कर सकते हो, हमने इसको सूडो से भी कर दिया, आप इसको ग्राउंड के फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो। ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व करोगे तो इस ग्राउंड के फ्रेम से अगर कोई ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो उसको तो पेंडुलम आगे जाता हुआ नजर आएगा ना भाई, कांस्टेंट एक्सलेशन से अगर मैं ग्राउंड से इस पेंडुलम को देखता हूँ तो ये मुझे पेंडुलम, देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन को ग्राउंड से सॉल्व करूँ तो ये मुझे सिंपल पेंडुलम वर्टिकल से थीटा डिग्री पर इस टाइप से ए एक्सलेशन से आगे जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ये ऐसे मुझे आगे जाता हुआ नजर आएगा अगर मैं ग्राउंड से खड़ा होकर देखूंगा। तो
ठीक है, तो आगे जाता हुआ नजर आएगा। तो टेंशन ये वाली जो लाइन है, ये अगर ये टेंशन ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो टेंशन जो इधर जा रहा था, टेंशन का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा उधर चला गया और टेंशन का एक कंपोनेंट टी साइन थीटा आगे आ गया और एम जी नीचे लग गए। तो वर्टिकल में तो इसको दिखाई नहीं देगा, वर्टिकल में फोर्स जीरो है, तो टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, बट हॉरिजेंटल में एक्सलरेट होगा। पेंडुलम इस ऑब्जर्वर को हॉरिजेंटल में राइट साइड एक्सलरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो एफ इक्वल टू एम ए लगा देते हैं, हॉरिजेंटल में इसको एक्सलरेट होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो अब फर्स्ट और सेकेंड से डिवाइड कर दो तो वही एक्सलेशन ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा मिल जाएगा। मतलब ग्राउंड के फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो और सूडो भी लगा सकते हो, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो, बट डिफरेंस ये है कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहेगा,